देश की राजधानी की सीमा पर देश के अन्नदाताओं को डटे हुए एक महीना बीत चुका है, लेकिन अड़ियल मोदी सरकार किसान हितों के खिलाफ अलोकतांत्रिक तरीके से पास किए काले कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का किसानों को वार्ता के लिए बुलाने के साथ सिर्फ मुद्दों, तर्कों और तथ्यों पर बात करने की हिदायत देते हैं। वे कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हैं। मुद्दा किसानों की खुशहाली का है, तर्क MSP की गारंटी और कृषि उपज मंडियों के यथावत रहने का है, और तथ्य ये है कि सरकार इन बातों को अपने कानून में शामिल करने को तैयार नहीं है। सैकड़ों बरसों से खेती कर रहे किसानों को कांग्रेस क्या कोई भी बरगला नहीं सकता। कांग्रेस सिर्फ किसानों के हित की न्यायोचित मांग उठाने की अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, और वो इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। जमीन और किसान के बीच आखिर कोई भी कैसे आ सकता है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने PM से भी एक कदम आगे बढ़कर बात करते हैं। तोमर के अनुसार मोदी सरकार पर किसी भी प्रकार का दबाव या प्रभाव काम नहीं करेगा, यानी किसानों के साथ प्रस्तावित वार्ता के पहले ही कृषि मंत्री वार्ता का नतीजा घोषित कर रहे हैं, या शायद बिना कहे ये स्वीकार कर रहे हैं कि अडानी और अंबानी सरीखे धन्ना सेठों के दबाव और प्रभाव के सामने उनके लिए किसानों का दबाव और प्रभाव कोई मायने नहीं रखता। इतिहास गवाह है कि जब कभी देश का अन्नदाता अपने खेत खलियान छोड़कर सड़कों पर उतरा है तो दिल्ली के ताज और तख्त उसके सामने कहीं नहीं टिके हैं। नए साल में इतिहास अपने आप को फिर दोहराएगा। जय हिंद।